नाम शायन चौधरी है, मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ और मेरा एज 25 है। मैं शायर तो नहीं मगर है हंसी, सायन को देख के मुझे भी थोड़ी शायरी आ गई। वाह 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 वाह, ठीक ठाक लगा ना भाई? एकदम बढ़िया। म्यूजिक इज माई बिगेस्ट पैशन, यू कैन से दैट्स व्हाट ड्राइव्स मी ऑल वे लॉन्ग to this competition. I love to compose my own songs, write my own songs. ये बहुत ही बेहतरीन आदमी है क्योंकि ये लड़की को देखते नहीं कि इनके माइंड में पोएट्री शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने चैलेंज देना चाहता हूँ कि भाई मेरे लिए पोएट्री लिख के बताओ, तू समझे। कोशिश करूंगा। एंड रिमेम्बर हाँ, मेरी थोड़ी अंदर सेटिंग है तो मैं मतलब कुछ करवा सकता हूँ कि तू अच्छा कुछ लिखना मेरे अंदर। क्या मैंने कुछ लिखा है हाँ। आपके बारे में जो है, जादूगरी है तेरी होस्टिंग, जादूगरी है तेरी होस्टिंग में, यू आर नंबर वन, वाह दैट्स माय से। दुनिया चूमेगी तुम्हारी चरण, लबों पर होगा बस एक ही नाम, करण करण करण। बड़ा अच्छा लगता है यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और किसी को नहीं मिलता। Your voice is very good. You are the dark horse of the show. Definitely. God bless and all the best. I'm very happy that you're with me. Thank you so much. ये गाना मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है, जीना जीना। क्या लग रहा है तुम लोगों? जीत जाओगे? जीत जाएंगे। या श्योर हो जीतूंगा ही? जीतूंगा। श्योर जीतूंगा। चलो देखते हैं, रिहर्सल्स में मिलते हैं, तैयारी कर लो। सचेत की वैसे भी मुझे बहुत टोन अच्छी लगती है और मेरे गोल्डन जूते उसी के चक्कर में गए हैं और साथ ही साथ शायन के सुर कमाल लगते हैं, तो चॉइस करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज एक की टोनल क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है और एक की सुर बहुत आउटस्टैंडिंग है। मेरे वॉइस की शान, मेरे गोल्डन शूज। चलिए सुनाइए। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। सचेत मुझे ये लग रहा है कि जो एटीट्यूड है तुम्हारी, जो स्टाइल है वो इतनी कमाल है, उसके साथ शायन जैसे थोड़े सुर आ जाए तुम्हें और शायन तुम में सचेत जैसी एटीट्यूड आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा यार, आसमान कांप उठेगा। ऐसी वाली सिंगिंग कर रहे हो तुम लोग दोनों, बहुत जबरदस्त कर रहे हो। बहुत करेक्ट बताया है हिमेश जी ने और आई ट्राई टू मेक श्योर दैट आई कम टू द एटीट्यूड ऑफ द सॉन्ग एंड बहुत फील से उसे गा पा लेना। आई यू लव, यस और नो, और यू आर नॉट इन लव, देन यू विल फॉल इन लव बेबी, कम ऑन नाउ। मेरे दिमाग में अभी चल रहा है जितना हो सके फील से गाना गाना है और मैं कोशिश करूंगा अपना 100% देने का। तो ये जो बैटल होगा वो लिहाज और रियाज के बीच होगा। आ रहा है लखनऊ की शायरी में रॉक को ऐड करने वाला सचेत टंडन। और इन्हें टक्कर देंगे कोलकाता का उभरता हुआ सुर सायन चौधरी। Let the battle begin. दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ लिख दी मेरे हमदम। हंसी का मैंने जीना जीना कैसे जीना न सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। अच्छी सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। वो आसमान मिला जमीन को मेरे आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना। सर क्या बात है जी। वेल यार मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ बिकॉज दोनों ने एक बहुत ही कमाल का गाया एंड जैसे जैसे आपके स्केल चेंज हुए, 3 बार आपने स्केल चेंज किया और उसमें बहुत खरे आप उतरे, हर नोट्स आपने परफेक्ट लगाए हैं एंड बहुत फील से ये गाना गाया है। शायन आई गो विद यू यार, आई लाइक योर वॉइस। थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा कि सचित एक लाइन आपने जो अपनी जो वेरिएशन की एक लाइन, वो आसमान जमी वाला कौन सा लाइन था वो? मतलब पूरे गाने में मुझको सैन की सिंगिंग क्लैरिटी, वर्ड्स सब बेटर लगी, लेकिन अगर इस पूरे गाने में कहीं एक जगह मैजिक हुआ तो वो था उस एक लाइन पर। अब 1 लाइन वर्सेस होल सॉन्ग, इट्स अ क्रेजी डिसीजन। शायन बहुत ही सुलझा हुआ सिंगर है, अच्छा सिंगर है। सचेत में एक ऐसी क्वालिटी है कि उसकी टोनल क्वालिटी और आज का दौर, आज के कॉम्पोजिशंस, आज के गाने, वो जब भी गाएगा वो ज्यादा कनेक्ट करेंगे आज के गाने जी। लेकिन अगर आप बात सिंगिंग क्वालिटी की करें तो शायन की ज्यादा थी। तो मैं इतनी मुश्किल में हूं जी कि क्या करूं, किस तरफ जाऊं। शायन तुम रोगे नहीं, वो कहते हैं ना कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। और तुम्हारे लिए जीत की बात यह है कि आप बहुत जल्दी बहुत ही जबरदस्त गाना गा रहे हैं और वो उस स्टाइल में गाएंगे कि आज के कंटेम्प्री गानों में तुमसे बेहतर किसी ने ना गाया हो। ये मैं अपनी जान लड़ा दूंगा उस रिकॉर्डिंग रूम में तुम्हारे लिए। वो गाना सुपर हिट। थैंक यू। बस मुझे लग रहा है कि अब मैं इमोशनल ना हो जाऊं, रो ना दूं, इसलिए मुझे कुछ मूड चेंज करना है। क्या करें? एक अच्छा गाना हो जाए। आ जाइए। We all give a tribute to मिथुनदा and बबीता। जीना भी क्या है जीना, तेरे होठों पे जीना, जीना भी क्या है जीना।